सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में बोलते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को राज्य सरकार लागू करने में आनाकानी कर रही है। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि बाड़मेर में शीघ्र ही हवाई यात्रा सहित लंबी दूरी की रेल सेवाएं शुरू होगी। आइए जानते हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा। सीमावर्ती क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर आज जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ जो अल्पसंख्यक हमारे भाई रहते हैं जिनके साथ में वहाँ पर धार्मिक उत्पीड़ना हुई या वहाँ पर उनको मार दिया गया या ऐसे लोग जिनको वहाँ पर अत्याचार सहन करना पड़ा और बहन बेटियों की इज्जत बचाकर उनको भारत के अंदर आकर शरण लेनी पड़ी, ऐसे लोगों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से जो बिल पेश किया और उस बिल पेश करने के बाद उन लोगों के चेहरों पर खुशियां आई और जहां उस पाकिस्तान के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 30% जनसंख्या थी वो अल्पसंख्यक भाई थे, जहाँ लगभग हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई ये पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक थे और उनकी 30% आबादी थी, जो आज पाकिस्तान के अंदर देखें तो मात्र और मात्र 1% जनसंख्या अल्पसंख्यक हो गई। और इसी तरह बांग्लादेश की भी यही स्थिति रही और वहाँ से इनको धार्मिक उत्पीड़ना देकर वहाँ से या उनको वहाँ से मारपीट के भगा दिया गया या उनके धर्म परिवर्तन कर दिए गए। ऐसे जब भाई यहाँ पर आए तो उनके लिए ये नागरिक संशोधन बिल उनको जो पहले 12 साल तक का उनको मिलता था, रहने के बाद में उनको नागरिकता मिलने का प्रावधान था, उसकी जगह आज उसको कम करके और 5 साल के अंदर वो रहेंगे जो 2014 के बाद में जो आए हैं उनके जैसे 5 साल होंगे तो उनको नागरिकता मिलने का प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसी तरह ऐसे हमारे लाखों लोग थे जो हिंदुस्तान में आने के बाद उनको सारी सुविधाएँ नहीं मिल रही थी, तो ऐसे लोगों के लिए इस बिल के माध्यम से आज उनको नागरिकता मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई और निश्चित रूप से उनको नागरिकता मिलेगी। तो ऐसे लोगों जो शरणार्थी भाई हैं उनको नागरिकता मिलने की वजह से आज इस कांग्रेस की जो राज हिंदुस्तान की सरकार है, यूपीए की सरकार, उनको ये पच नहीं रहा है कि उन लोगों को यहाँ पर नागरिकता क्यों मिल रही है और जिसकी वजह से आज पूरे देश के अंदर कई प्रांतों के अंदर उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और युवाओं को बरगला रहे हैं, अल्पसंख्यकों को भड़काने का काम कर रहे हैं और जो उन्होंने 60 साल देश आज़ादी के बाद में निरंतर तुष्टिकरण की नीति को अपनाकर उन्होंने जिस तरह से काम किया आज भी वही काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने न तो विकास कराया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, लेकिन सिर्फ उन्होंने पहले भी राजनीति की और आज भी वो इसी तरह भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर जहाँ पर ये लड़ाने भिड़ाने का काम जिस तरह से किया जा रहा है इसकी हम सभी निंदा करते हैं और पूरे देश के अंदर इसकी बात की निंदा की जा रही है। इसलिए आज मैं सभी उन भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह से जो राजनीति कांग्रेस और यूपीए सरकार कर रही है इसका जवाब दे कि ये इन्होंने इसका विरोध कर क्यों रहे, इसके पीछे कारण क्या है इनका विरोध करने का। कांग्रेस के लोग सामने आकर बात करें, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ भड़काना है। और इस बिल से आज जो मेरे इस बाड़मेर जैसलमेर के भी क्षेत्र के जो भाई हैं जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ पर आकर रहे हैं या दूसरे जो भी प्रदेश दूसरे देश जो इन 3 देशों से जहाँ उनको धार्मिक उत्पीड़ना की वजह से यहाँ पर आना पड़ा है, उन सभी भाइयों के लिए आज ये सुंदर अवसर है। लेकिन
ये कांग्रेस और यूपीए की सरकार के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर जिस तरह से उनका विरोध कर रहे हैं, ये आगे देश सहन नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर ये लड़ाने का काम कर रहे हैं इसकी हम सभी निंदा करते हैं। साथ ही आज अगर बात करें तो इन्होंने पंचायती राज के चुनाव के अंदर भी देखा आपने, पंचायती राज के अंदर राजनीति की जा रही है, और साथ ही विकास के नाम पर राजस्थान में बिल्कुल विकास हुआ नहीं, उनके एक साल पूरा होने को आया है। आज पूरा होने के बावजूद भी उन्होंने कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, कोई संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा था हम युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी वो दे नहीं पाए, और जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में काम चल रहे थे उन कामों को भी इन्होंने रोकने का काम किया। आज राजस्थान के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है। आज मात्र 4 साल की और 5-5 साल की बच्ची के साथ में रेप हो जाता है और उसके बावजूद कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। आज हर रोज़ ऐसी घटनाएँ हो रही है, और इस एक साल के अंदर 1,76,000 मुकदमे हुए, जो एक रिकॉर्ड बना है, और इसके अंदर कांग्रेस के लोग लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को सुधार नहीं पा रहे। इसलिए यहाँ पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार फेल हो चुकी है, और उसके बाद में अभी पंचायती राज के चुनाव के अंदर भी आपने देखा, नगर पालिका के चुनाव के अंदर तो आपने देखा ही कि नगर पालिका के चुनाव में उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे वार्ड बना दिए, जहाँ कांग्रेस का वार्ड था उसको उन्होंने 200-300 की जनसंख्या के वार्ड के का वार्ड रखा वोटर्स का, और वहीं बीजेपी के अगर उसका बाहुल्य क्षेत्र था तो उसको 3-4 हज़ार के वार्ड रखे। ये की एक पॉलिसी पंचायती राज के अंदर कर रहे हैं, और उसके बाद में उन्होंने अभी जो पंचायती राज के चुनाव की घोषणा की है, इसमें मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस पंचायती राज के चुनाव के अंदर उन्होंने जो समय पहले किस जो सरपंच खड़ा होता था उसके लिए पहले दिन फॉर्म भरते और दूसरे दिन उसके चुनाव होते थे, लेकिन पहली बार 7 दिन का समय दिया, 7 दिन का गैप रखा फॉर्म भरने के बाद में, 7 दिन एक वार्ड पंच के लिए प्रचार करने के, 7 दिन एक सरपंच के, 7 दिन का प्रचार करने का, इसके पीछे उनका तर्क क्या है, कारण क्या है। और साथ ही उन्होंने पंचायती राज और हमेशा जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव हमेशा साथ में होते आए, लेकिन इन्होंने पहली बार इसको अलग करने का काम किया, तो निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, और इन्होंने इस पंचायती राज के चुनाव के अंदर दबाव की राजनीति और जिस तरह से ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये पहली बार जिस तरह से किया गया पंचायती राज के चुनाव के अंदर भी इन्होंने लॉ एंड जो इनका धारा और कानून होना चाहिए उस धारा और कानून का भी उन्होंने मखोल उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये राजस्थान के अंदर सरकार है बिल्कुल विफल हो चुकी है, और जिस तरह से अपन देख रहे हैं कि आज वार्ड कोटा के अंदर एक दिन के अंदर 10-10 बच्चे हॉस्पिटल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, और पिछले एक साल के अंदर 980 बच्चे ख़त्म हो उसकी मृत्यु हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी इन कोर्ट के अंदर हॉस्पिटल के अंदर हो, चाहे वो शिक्षा के अंदर हो, चाहे किसी भी जगह, आज राजस्थान की सरकार फेल हो चुकी है। और इस अवसर पर उनके पास में और कुछ मुद्दे हैं, सिर्फ इस समय वो ये चीज़ कह रहे हैं कि उनको किसान याद आता है जब चुनाव आता है उस समय उनको, आज किसानों के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसान सम्मान निधि के तौर पर पैसे देने का तय किया था कि हम किसानों को हर किसान को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लिस्ट ले भेजी, और जिसकी वजह से किसानों को पूरी लिस्ट भी नहीं भेजी। आज भी हम डिमांड कर रहे हैं लेकिन लिस्ट नहीं आई, जिसकी वजह से किसानों को संपूर्ण जो लाभ मिलना चाहिए 6,000 रुपये वो उनको किसानों को नहीं मिल रहा है। इसी तरह अभी किसानों के लिए टिड्डी आई है जो पाकिस्तान की सीमा के पार से टिड्डी यहाँ पर आ जाती है, और उसके अंदर केंद्र सरकार की तरफ से सारी मेडिसिन की व्यवस्था की गई, सारे वहाँ के हमारे जितने अधिकारी उन सबको लगाए, लेकिन राजस्थान की सरकार की ओर से कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। राजस्थान की सरकार की इतनी जिम्मेदारी है लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, और उल्टा उन किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है कि ये तो केंद्र सरकार की योजना है, ये योजना नहीं है, ये आपदा है, इस आपदा के समय में हम सबको सहयोग करना चाहिए। आज पाकिस्तान की सीमा की ओर से जब अफगानिस्तान और वहाँ से ये जब टिड्डी यहाँ पर पहुँच जाती है, तो पहुँचने के बाद में हमने केंद्र सरकार ने अधिकारियों को और कर्मचारियों को लगाकर पिछले 4 महीने से लगातार प्रयास करके और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन अब इतनी संख्या के अंदर आई है, फिर भी हमारी सरकार पूरी तरह से पूरी केंद्र सरकार के अधिकारी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार की तरफ से कोई कॉपरेट और सहयोग नहीं किया जा रहा है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।